एमआई के खिलाफ हार के जबड़े से जीत छीनने के बाद जीटी के न्यू कैप्टन शुभमन गिल काफी उत्साह में नजर आए। एमआई को जीटी के खिलाफ जीत के लिए 36 गेंद पर 48 रन की दरकार थी और 7 विकेट हाथ में थे, फिर भी जीटी 6 रन से मैच जीत गई। लगातार 12वें साल ऐसा हुआ जब एमआई अपना पहला मैच हार गई। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे 168 रन बनाया था। एमआई अपने 20 ओवर में 9 विकेट गवाकर 162 रन ही बना सकी। ये हाल तब है जब एमआई ने खुद ही पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। जीटी के लिए साई सुदर्शन ने 39 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 45 रन का योगदान दिया। कप्तान शुभमन गिल ने 22 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन की पारी खेली। एमआई के लिए बुम बुम बुमराह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। गेराल्ड कुडजी ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 सफलता हासिल की। 3 ओवर में 31 रन खर्चने के बाद पीयूष चावला को 1 सफलता मिली। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस आसानी से टारगेट तक पहुंच जाएगी। ईशान किशन जरूर पहले ही ओवर में बगैर खाता खोले अजमत उल्ला का शिकार बन गए, लेकिन नमन धीर ने अपने डेब्यू इनिंग में 10 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बना दिए। उन्होंने जता दिया कि आने वाले समय में नमन का नाम काफी सुना जाएगा। नमन को अजमत उल्ला ने LBW आउट किया। रोहित शर्मा और डेविड ब्रेविस ने चौथे विकेट के लिए 55 गेंद पर 77 रन की बेहतरीन साझेदारी बनाई। रोहित शर्मा 29 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाकर साई किशोर की गेंद पर LBW हुए। 38 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 46 रन बनाने के बाद मोहित शर्मा ने डेविड ब्रेविस को कॉट एंड बोल कर दिया। तिलक वर्मा 19 गेंद पर 25 रन बनाने के बाद स्पेंसर जॉनसन का शिकार बने। कप्तान हार्दिक पांड्या 4 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 11 रन बनाए। लास्ट ओवर में उन्होंने टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उमेश यादव की गेंद पर कैच आउट हो गए। जीटी के लिए अजमत उल्ला ने 27 रन खर्चे, उमेश यादव ने 3 ओवर में 31 रन खर्चे, स्पेंसर जॉनसन ने 2 ओवर में 25 और मोहित शर्मा ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2-2 विकेट चटकाए। एक सफलता साई किशोर के हाथ लगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस कभी कोई मैच नहीं जीत सकी है। हमें कमेंट कर बताएं एमआई के हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही, और जीटी को लगातार तीसरे साल पहला मैच जीतने की बधाई दीजिए।